स्टूडेंट्स वेलकम। आपको मैं बता दूं कि इससे पहले हम लोग का सीजन जो चला आ रहा है, उस सारी सीजन में हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत सारे कंपोनेंट के बारे में स्टेप बाय स्टेप हर एक कंपोनेंट को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, सीख रहे हैं। आज से हमारा जो सीजन है कुछ नया होने वाला, कुछ स्पेशल होने वाला। आज से हम लोग ट्रबल शूटिंग में जाने वाले हैं। जी हाँ, ट्रबल शूटिंग में जो है ना, स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। ये जानेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम ऐसा होता है जो हमारे कंप्यूटर में होती है, और सारे कंप्यूटर को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे क्या क्या प्रॉब्लम होता है। तो मैं वेलकम करता हूं, मैं मिथिल कुमार मंडल आपको अपने इस टेक्निकल चैनल टेक्निकल मिथिल में आप सभी का वेलकम करता हूं, और स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो वेलकम, तो देखते हैं आज का हमारा जो मेन प्रॉब्लम है वो है नो डिस्प्ले। वो क्या है? नो डिस्प्ले। जी हाँ, तो नो डिस्प्ले का क्या क्या कॉज होता है, क्या क्या कारण होता है, इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं। नो डिस्प्ले एक छोटा सा प्रॉब्लम है नो डिस्प्ले, मगर इसके पीछे का छिपा हुआ जो कारण है बहुत बड़ा और बहुत छोटा भी हो सकता है। प्रॉब्लम क्या है? नो डिस्प्ले। नो डिस्प्ले, ठीक है, यानी डिस्प्ले नहीं आ रहा, आपके स्क्रीन पे कोई डिस्प्ले नहीं आ रहा, चाहे वो लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, कोई भी हो, नो डिस्प्ले। ठीक है, तो इसका कॉज को पकड़ते हैं स्टेप बाय स्टेप, हर एक कारण को देखते हैं बारीकी से। ठीक है, तो पहला जो हमारा पॉइंट है नो डिस्प्ले, इसमें पहला जो हमारा कारण हो सकता है वो हो सकता है हमारा बीजीए, वो हो सकता है हमारा बीजीए, वीजीए केबल का हो सकता है। पहला जो पॉइंट है वो हमारा है वीजीए। दूसरा पॉइंट जो हमारा है वो हमारा है रैम, आरएएम, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जी हाँ, रैम। तीसरा पॉइंट क्या है? रैम। रैम की वजह से नो डिस्प्ले। ठीक है, तीसरा जो हमारा है वो हमारा है सीपीयू। सीपीयू क्या? ओवरहीटिंग। सीपीयू ओवरहीटिंग, सीपीयू ओवरहीटिंग। जी हाँ, प्रोसेसर का ज्यादा हीट होना भी नो डिस्प्ले का वजह होता है। चौथा हमारा सीमोस बैटरी, हमारा सीमोस बैटरी, सीमोस बैटरी की वजह से भी हर एक पॉइंट को समझते हैं सीमोस बैटरी। अभी तक जो हम लोग पॉइंट को देखे, हर एक पॉइंट को बारीकी से एक एक करके देखते हैं। पहला वीजीए हो गया, दूसरा हमारा सीपीयू हो गया, रैम हो गया, देन हमारा सीमोस बैटरी हो गया। इसके अलावा बहुत छोटी छोटी बारीक चीज होती है नो डिस्प्ले का वजह, और क्या हो सकता है? आप दिमाग लगाओ, आपका इंटायर मदरबोर्ड में कुछ शॉर्ट कर रहा है, कुछ आईसी शॉर्ट कर रही है, कुछ आईसी ओवरहीट कर रही है, तो उस वजह से नो डिस्प्ले। तो बारीकी से स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को समझ करके ही हम लोग ट्रबल शूट कर पाएंगे। ये मैंने सिर्फ आपको बेसिक बताया नो डिस्प्ले का। नो डिस्प्ले का अगर कारणों को पकड़े हम लोग, तो पहला हम लोग क्या पकड़े थे कि हमारा रैम, ठीक है, तो हमारा रैम, अगर रैम को लेके चलते हैं तो रैम से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या हो सकता है ऐसा? तो हो सकता है आपके कंप्यूटर में रैम ही ना हो, किसी ने थेफ्ट कर लिया हो, लेफ्ट हो गया हो, या आपका रैम लूज हो, लूज लगा हुआ हो, या रैम के पीछे जो उसकी कवर होती है वहां पे डस्ट हो, डेवरिक्स हो, ठीक है, या रैम लूज हो गया हो, ढीला हो गया हो, या रैम खराब हो गया हो। ठीक है, ये कोच हो सकती है, इन सारी कोच को हम लोग स्टेप बाय स्टेप पकड़ेंगे। वीजीए केबल, वीजीए केबल जो सबसे पहला हमारा प्रॉब्लम था, वीजीए केबल, तो वीजीए केबल में क्या हो सकता है? वीजीए केबल आपके मॉनिटर के पीछे जो लगा रहता है वहां से लूज होगा, या आपके सीपीयू बॉक्स में जो इंटायरली घूम करके जो वीजीए केबल लगता है वहां से लूज होगा। वीजीए केबल में स्पेशली कुछ पिंस होते हैं, हो सकता है पिंस टेढ़ा है, पिंस बेंड हो गया, ब्रोकन हो गया, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है ना? हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो वीजीए केबल हो सकता है हमारा रैम, हो सकता है हमारा सीपीयू, सीपीयू का मेन कारण हो सकता है सीपीयू की ओवरहीटिंग, हो सकता है आपका सीपीयू फैन जो आपका हीट ऑब्जर्वर होता है वो आपका काम नहीं कर रहा, ठीक है, तो उसको आपको देखना होगा ऑन करते हुए, क्या फैन वर्क कर रही है या ओवरहीट तो नहीं रही, आपको टच करके देखना है गर्म हो रहा है क्या। अगर ओवरहीट हो रहा तो सीपीयू वो वजह है जिसके वजह से आपके कंप्यूटर का जो है ना वो ओवरहीटिंग हो रहा, और नो डिस्प्ले आ रहा। क्या आ रहा? नो डिस्प्ले, नो डिस्प्ले। तो नो डिस्प्ले का कारण यही होता है सीपीयू का ओवरहीटिंग होना। थर्ड पॉइंट मैंने बताया रैम, रैम का लूज होना या नहीं लगा होना या ढीला होना या फिर उसमें डस्ट होनी, इसकी वजह से रैम पे वजह से नो डिस्प्ले आती है। फोर्थ आपका इंटायर मदरबोर्ड, मदरबोर्ड में कोई भी आईसी अगर हीट कर रही है, शॉर्ट कर रही है, या उसका कोई पावर सेक्शन में प्रॉब्लम है, तो इसके वजह से आपका नो डिस्प्ले आ सकता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा सीमोस बैटरी, सीमोस बैटरी। जी हाँ, छोटा सा सीमोस बैटरी जो डेट टाइम को मैनेज करता है, बायस के सेटिंग को मैनेज करता है, वो बैटरी अगर वीक हो गई है, शॉर्ट कर रही है, तो उसके वजह से नो डिस्प्ले। क्या करोगे, क्या उपाय है, दिमाग लगाओ। बैटरी छोटा सा प्रॉब्लम है, रिप्लेस मारो, ठीक है। तो क्या करना है नो डिस्प्ले की वजह से? बैटरी, और क्या हो सकता है? तो बायोस शॉर्टिंग जम्पर, आपके मदरबोर्ड में बहुत सारे जम्पर्स होते हैं, छोटे छोटे 3 पिन के जम्पर होते हैं, कुछ ऐसे दिखते हैं, इन जम्पर को आपको निकालना है, फिर आपको ऑन करके देखना है कोई जम्पर तो शॉर्ट नहीं कर रहा,
या जंपर को क्लियर करना है, तीन जंपर लगे होते, एक जंपर को दो से निकालनी है और बगल में डालनी है, फिर एज यूजुअल जैसे था वैसे कर देनी है, बायस को क्लियर करना है। हो सकता है ये जंपर वजह हो जिसके वजह से नो डिस्प्ले, जिसके वजह से नो डिस्प्ले आपका आ रहा। तो स्टेप बाय स्टेप आपको ये पूरा ट्रबल शूटिंग प्रोसेस करनी होगी। आज ये हमारा सिर्फ एक बिगिनिंग था, मैंने ये बताया कि कुछ इस तरह से हम लोग समझेंगे, प्रैक्टिकल बेस में समझेंगे। ये तो थ्योरेटिकली मैंने समझाने की कोशिश की आपको कि ये प्रॉब्लम हो सकता है, इसको ऐसे हम लोग गाइडलाइंस करते हैं। तो ट्रबल शूटिंग मतलब है क्या, स्पेशली मुझे ये बताना था, तो व्हाट इज ट्रबल शूटिंग। तो ट्रबल शूटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग पहले प्रॉब्लम को समझते हैं, आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम, पहला स्टेप इसमें यही होता है, आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किए, नो डिस्प्ले। क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किए, नो डिस्प्ले, यानी डिस्प्ले नहीं है। दूसरा होता है कि उस प्रॉब्लम के कोज को जानना, किस कारण से हो सकता है ये जो प्रॉब्लम है नो डिस्प्ले, ये क्या क्या वजह हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि आपका ये जो नो डिस्प्ले है, इसका वजह हो सकता है आपका वीजी केबल लूज हो सकता है, इसका वजह हो सकता है आपका सीमोस बैटरी, इसका वजह हो सकता है आपकी रैम, इसका वजह हो सकता है आपका सीपीयू ओवरहीटिंग, इसके वजह हो सकते हैं आपकी फैन, कूलिंग फैन जो ठीक से कूल नहीं कर पा रही है, ओवरहीट हो रहा है, इसका वजह हो सकता है आपका मदरबोर्ड, मदरबोर्ड में कोई आईसी जो ओवरहीट कर रही है, ठीक है, इसका वजह हो सकता है आपका सीमोस बैटरी, छोटी सी बैटरी, इसका वजह हो सकता है आपका वायोस जम्पर, शॉर्टिंग जम्पर, जो छोटे छोटे दो पिन वाले जम्पर होते हैं मैंने आपको बताया, तो ये सारा कारण हो सकता है। यानी किसी भी ट्रबल शूट का मतलब है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, देन उसके कॉज को जानना है कि इस प्रॉब्लम का क्या क्या कारण हो सकता है। अब स्टेप बाय स्टेप हर एक कॉज को स्टेप बाय स्टेप वन बाय टेस्टिंग करना। तो इनमें से कोई एक बेसिक से स्टार्ट करना, जैसे कि वीजीए केबल बेसिक है हमारा, तो पहले वहां से चालू करना है, फिर मॉनिटर में देखनी, कंप्यूटर में देखनी वीजीए केबल प्रॉपर टाइट है कि नहीं। उसके बाद अगला स्टेप होता है आपका, मेन स्टेप होता है आपका, अंदर जाकर के रैम को देखना, सीमोस बैटरी को देखना, सीपीयू के ओवरहीटिंग को देखना, कूलिंग फैन को देखना, देन बाय शॉर्टिंग जम्पर को क्लियर करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारा ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया हर एक को स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आप करेंगे, देन आपका 100% ट्रबल शूटिंग हो पाएगी, तभी आपका पूरा क्लियर हो पाएगा। तो ट्रबल शूटिंग के बारे में हम लोग, आज का ये हमारा फर्स्ट सेशन था, आपको मैंने कुछ बेसिक बताने की कोशिश करी है, बेसिक आप आई थिंक सपोज करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कुछ बेसिक, बट इसी तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करना सीखते हैं। तो आगे के सेशन में मैं आपको स्पेशली ट्रबल शूटिंग लेकर के आऊंगा, ये सिर्फ एक डेमोस्ट्रेशन था, डेमो था कि ऐसे ट्रबल शूटिंग किया जाता है, इसका क्या प्रोसेस होता है। ओके फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दो, एक लाइक तो बनता ही है, शेयर करो उनके साथ जो आगे कुछ सीखने वाले, जो एडवांस लेवल आने वाला है, मैंने सिर्फ इसका एक शुभारंभ किया है ट्रबल शूटिंग का, तो शेयर करो वीडियो उनके साथ जिनको नीड है, सब्सक्राइब करो चैनल को, रेड आइकन पे अभी क्लिक करो ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। ओके फ्रेंड, थैंक यू, गुड बाय।